आदिवासियों को दावा नल से बचाया ठाकुर जी ने, अग्नि पान कर गए, बचा लिया। उसके बाद वेणु गीत आता है, भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। सबसे बढ़िया विषय और विवादित विषय, कॉन्वेंट स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को यही सब दिखा दिखा करके रोज ऐसे समाचार आते हैं, रोज यही सब दिखाकर बताकर और उनको बताते हैं ये धर्म का पालन मत करना। चीरहरण लीला को भारतवर्ष में और रास लीला को, इन दोनों का जितना ह्रास कराया जा सकता था विधर्मियों के द्वारा वो कराया गया। मैं आज इस श्रीमद् भागवत के मंच व्यासपीठ से, घड़ी दिखा रहा है मैं तू नद्यां कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्तो विजहरो सलिले मुदा। इसमें भी पांडे जी का षड्यंत्र नजर आता है। हमारे ही चेला से हम ही को घड़ी दिखवा दिए। तो ये गोपी का चीरहरण और रास का ह्रास जिस तरीके से प्रतिपादित किया विधर्मियों ने भारत वर्ष में, भगवान की, श्री कृष्ण की और धर्म की मर्यादा का हनन करने का जो असफल प्रयास किया लोगों ने, वो सफल कभी होगा नहीं। लेकिन जो प्रयत्न किए जा रहे, मैं हृदय से कहता हूं, अगर भारतवर्ष में व्यास पीठ न होता और ऐसे दिव्य संत महात्माओं ने भागवत की कथा न की होती, तो आज विधर्मी कहीं के लायक हमें नहीं छोड़ते। वो न इस रास को इतने ह्रास में ले जाते और चीर हरण की पूरी लीला से हम भारतवासियों के मुख को शर्मिंदगी से ढक देते। ये तो कृपा है आप महात्माओं की, करुणा है आप संतों की, करुणा है भागवत के कथा वाचकों की, कि इनकी कृपा, इनकी करुणा भारत वर्ष के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में जाकर भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का जो विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा था, उस भारी षड्यंत्र को श्रीधाम वृंदावन के वीर बांकुरों और तेज आप्त और दीप्त महापुरुषों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर भगवान कृष्ण के धर्म का झंडा गाड़ दिया महाराज, कि असली रास ये है और असली चीरहरण ये है, नहीं तो ये संभव नहीं होता। आप गालियां दे लो जितना दिन, अभी रास नहीं होगा, रास कल होगा। आप गालियां दे लो, व्यासपीठ को बोल लो, कथावाचकों को बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मुंह है तुम्हारे पास, कुछ भी कह लो। लेकिन यह भी सत्य है कि व्यस्ततम समय मनुष्य का, जहर पीने को टाइम नहीं तुम्हारे पास, उसमें भी नगर नगर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, क्या है बोला, सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, आप सब आमंत्रित हैं। और नगर नगर गंगा जी, तो जाओगे किनारे पर तब गंगा जी का दर्शन होगा, मज्जन होगा, गंगा जी में स्नान कर पाओगे, पान कर पाओगे, पर वास्तव में श्रीमद्भागवत की गंगा भागीरथी धारा
इन व्यास पीठ पर बैठ रहे महापुरुषों के मुखाम्भोज से प्रवाहित हो करके कानों से होते हुए हमारे हृदय में आ जाती है और इस हृदय में कन्हैया विराजित हो करके भारत की रक्षा को तैयार हो जाते। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला, तेरी राह तके ब्रज। हम सब ब्रजबाला हैं मैया, हम भी ब्रजबाला हैं। हमको हमको स्वीकार कर लो आप लोग कि हाँ बाबा आप ब्रजबाला हो। श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके स्वामी हैं, श्री कृष्ण ही सबके पिता, परम पति, परम सखा। अब क्या कहूँ, कुछ बचता ही नहीं। जो मानना है उन्हीं से रिश्ता मानो। फूफा में भी लगे तो फूफा उन्हीं का मान लो, ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हारे फूफा तुम्हारे शादी में आके विवाह में बेटी के फूफा करने लगेंगे, पर ठाकुर जी क्या करेंगे, नरसिंह की भात भराई की तरह जो जरूरत होगा सांवरिया सेठ बनकर पूरा कर देंगे। फूफाऊ बनाना हो तो इन्हीं को बना लेना महाराज, तुम्हारे फूफा भी काम नहीं आएंगे, एक फूफा कम नहीं आएंगे तुम्हारे।